अब हमें यहाँ 1 प्लस cos 2 थीटा में cos 2 थीटा पर फॉर्मूला अप्लाई करना है, और इसके लिए हम देख सकते हैं cos 2 थीटा के तीन फॉर्म है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पर हमें बहुत ध्यान से कोई भी एक फॉर्मूला सिलेक्ट करना है, वैसे तो हम कोई भी फॉर्मूला सिलेक्ट कर लें हम यहाँ तक पहुंच ही जाएंगे, मगर जितना स्मार्ट अप्रोच से हम वर्किंग करेंगे उतना जल्दी हम अपने जवाब तक पहुंच पाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी स्मार्ट होंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 के नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हम जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आप बचपन से पढ़ रहे हैं, और हम जानते हैं sec स्क्वायर थीटा उस वक्त आता है कि जब हमारे पास 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा मौजूद हो, तो उसको हम फिर sec स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें cos से sec में पहुंचना है और फिर sec से tan तक पहुंचना है, तो उसके लिए हम यहां पर एक ऐसा फॉर्मूला cos 2 थीटा के लिए अप्लाई करना चाहेंगे जिसमें सिर्फ cos हो, क्योंकि cos का ताल्लुक sec से बन पाएगा। हम cos को 1 ओवर sec लिख सकते हैं या sec को 1 ओवर cos लिख सकते हैं, यानी कि sec और cos का रिलेशन है। तो हम cos 2 थीटा का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि आप इस फॉर्मूले में देख सकते हैं cos 2 थीटा के फॉर्मूले में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ रहा है। यहां पर हम 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखते थे, पॉजिटिव 1 से नेगेटिव 1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा 2 cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 ओवर sec स्क्वायर थीटा, 2 into 1 2, और आप जानते हैं sec स्क्वायर थीटा 1 plus tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो ये भी साबित हुआ।